नरकटियागंज नगर परिषद के सभापति उम्मीदवार राजेश प्रसाद जायसवाल ने एक घोषणा पत्र जारी किया है कि अगर वो सभापति बनते हैं तो क्या करेंगे। आइए मैं सभी जनता बंधुओं को बताती हूँ। घोषणा पत्र के अनुसार पहला कार्य मच्छर से निजात के लिए प्रत्येक महीना हर 25 वार्ड में फॉगिंग कराया जाएगा। दूसरा कार्य 25 वार्ड में पीसीसी रोड और नाले निर्माण कराया जाएगा। तीसरा कार्य प्रत्येक साल होल्डिंग कटवाने वालों के लिए कैंप का आयोजन। चौथा मजदूरों को नगर परिषद द्वारा योजनाओं का पूर्ण लाभ देना। पांचवा बाजारों में राहगीरों की सुविधा के लिए वॉशरूम और शौचालय का निर्माण। छठा बरसात से पहले गली नाले की साफ सफाई। सातवा पोखरा चौक स्थित पुस्तकालय कक्ष का निर्माण। आठवा नगर में आवारा पशुओं से निजात के लिए ढाट की व्यवस्था। नौवा नगर में बच्चों के लिए सुंदर व निःशुल्क चिल्ड्रन पार्क का निर्माण। दसवा लोगों की समस्याओं के लिए प्रत्येक सप्ताह जनता दरबार। ग्यारहवा बिजली शमशान घाट की व्यवस्था। बारहवा नगर में एक वृद्धा आश्रम का निर्माण। तेरह प्रत्येक वार्ड में एक चबूतरे का निर्माण। चौदह बस टेम्पो के लिए स्थायी व्यवस्था। पंद्रह गर्मियों में पेयजल के लिए प्रत्येक वार्ड के चौक पर फ्रीजर की व्यवस्था। सोलह नगर में घर घर नल जल की व्यवस्था की जाएगी। सत्रह प्रत्येक वार्ड में बिजली पोल पर सोलर लाइट की व्यवस्था। अठारह प्रत्येक वार्ड में चार चार सफाई कर्मियों की बहाली की जाएगी। उन्नीस प्रत्येक वार्ड में गरीबों के लिए इंदिरा आवास की व्यवस्था की जाएगी। बीस प्रत्येक साल छठ पूजा पर छठ घाट की व्यवस्था की जाएगी। इक्कीस प्रत्येक वार्ड में सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की जाएगी। 22 बाजारों में महिलाओं के सुरक्षा के लिए नगर परिषद के द्वारा महिला सिपाही की व्यवस्था की जाएगी। 23 प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति को उसका हक वृद्धा पेंशन दिलाया जाएगा। 24 प्रत्येक गरीब परिवार को राशन कार्ड बनवाकर राशन उपलब्ध कराई जाएगी। 25 कोविड के समय में कोविड-19 से बचाव के लिए प्रत्येक वार्ड में वैक्सीनेशन कराया जाएगा। तो आपको यह घोषणा पत्र कैसा लगा? वादे तो सब करते हैं, लेकिन उन वादों पर खरा कौन उतरता है आप भली भांति जानते हैं। तो अपने बुद्धि विवेक से सही उम्मीदवार की पहचान कीजिए और देखते रहिए सिटी 24 न्यूज़, हर पल नई खबर। धन्यवाद।